हेलो एवरीवन. सो इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जो बफर सॉल्यूशन पे पूछे जाते हैं. तो बिफोर वी लुक एट द क्वेश्चंस, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि जो फॉर्मूले थे, जैसे बफर सॉल्यूशन के लिए जो पीएच का फॉर्मूला था एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए, दैट वाज पीकेए प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड. ठीक है, एक तो ये था. फिर हमने दूसरी चीज़ देखी थी कि बफर का जो पीएच रेंज होता है, ठीक है, बफर का पीएच रेंज जो होता है दैट इज़ फ्रॉम पीकेए माइनस वन टू पीकेए प्लस वन. ठीक है, तो ये बफर का रेंज होता है पीएच का, दिस मिनिमम पीएच मैक्सिमम पीएच फॉर एन एसिडिक बफर. और हमने देखा था इसमें बेस्ट केस सिनेरियो होता है पीकेए. ठीक है, इस टाइम पे बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है. तो क्वेश्चन देख लेते हैं. तो मोस्टली क्वेश्चन जो बफर सॉल्यूशन पे आते हैं वो होता है क्रिएशन ऑफ बफर सॉल्यूशन पे, एंड उसके अराउंड पूछा जाता है कि उसका पीएच क्या होगा ऐसे सॉल्यूशन का. जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल एग्जांपल. ठीक है, पहला एग्जांपल देख लेते हैं. मान लेते हैं कि हमारे पास एसिटिक एसिड है, CH3COH एसिटिक एसिड है हमारे पास, 40 ml है और 2 मोलर है. ये हमको एसिटिक एसिड सॉल्यूशन दे रखा है. और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने NaOH ऐड कर दिया. इसमें हमने NaOH कितना ऐड किया, वी एडेड NaOH. लेट्स से NaOH जो मैंने इसमें ऐड किया वो 20 ml है और मान लेते हो 1 मोलर है. ठीक है, तो ये हमने किया, हमने एसिटिक एसिड में NaOH ऐड कर दिया. तो हमको इतना पता है कि एसिटिक एसिड जब भी NaOH के साथ रिएक्ट करेगा सो इट विल गिव CH3COONa सॉल्ट प्लस वाटर. ये किसी भी एसिड और बेस की टिपिकल रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर. तो और ये बैलेंस रिएक्शन लग रही है. बेस्ड ऑन दैट इतना समझ आ रहा है कि इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव 1 मोल ऑफ दिस एंड 1 मोल ऑफ दिस. ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास अवेलेबल कितना. अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड के हमारे पास 80 mmol अवेलेबल है. रिकैप करेंगे, मिलीमोल क्या होता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml. ठीक है, और NaOH के बारे में अगर हम देख लें सो NaOH के हमारे पास कितने हैं, 20 mmol मोलारिटी इंटू वॉल्यूम. तो एक मोल के साथ तो एक मोल रिएक्ट करेगा ना, एक मिलीमोल के साथ एक मोल ही मोल रिएक्ट करेगा, तो ये पूरी रिएक्शन तो नहीं हो पाएगी, लिमिटिंग रिएजेंट है. तो 20 mmol 20 mmol के साथ रिएक्ट करेंगे. ठीक है, तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, इसमें से 20 कम हो जाएगा, तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी इसके हमारे पास बच गए होंगे 60 mmol. ये पूरा ख़त्म हो गया होगा. और सोडियम एसिटेट के कितने मोल्स फॉर्म होंगे, 20 एंड 20 रिएक्ट करके कितना देंगे, 20 mmol. और थोड़ा बहुत वाटर भी बन जाएगा, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. लेकिन अगर हम अभी देखें इफेक्टिवली हमारे पास सोल्यूशन में क्या है, हमारे पास सोल्यूशन में सोडियम एसिटेट है, राइट, ये, और हमारे पास सोल्यूशन में क्या है, एसिटिक एसिड बच गया. तो हमारे पास सोल्यूशन में एक वीक एसिड है और उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो हमारे पास बफर सोल्यूशन है ना बेसिकली, राइट. सो इसका अगर हमको पूछा है कि व्हाट इज़ द पीएच, राइट, तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जाएगा. क्वेश्चन ऐसे नहीं बोलेंगे कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन, वो तो हमको खुद फिगर आउट करना है, बफर बन गया. क्वेश्चन ऐसा होगा, व्हेन 40 ml ऑफ 2 मोलर एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद 20 ml ऑफ 1 मोलर NaOH, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन. तो हमको इससे समझ आ गया रिजल्टेंट सोल्यूशन जो है वो बेसिकली एक बफर सोल्यूशन है. बफर सोल्यूशन का पीएच क्या है, पीके ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड. क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी होगी, ऑफ कोर्स इसका के दे रखा होगा. मान लेते हैं के, अज्यूम कर लेते हैं 10^-5. ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ. तो पीएच क्या आ गया, पीएच आ गया पीके ए, राइट. पीके कितना हो जाएगा, 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड. अब देखो सॉल्ट कितना है, सॉल्ट है 20 mmol इन सम वॉल्यूम. कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम तो पता है 40 + 20 = 60. लेकिन हमने अगर आप पिछले लेक्चर में देखोगे हमने देखा था कि वॉल्यूम से फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज दोनों में वॉल्यूम सेम होता है. एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, एसिड के कितने मिलीमोल है, 60. तो 60 mmol बाय द सेम वॉल्यूम भी, तो वी और वी कैंसिल हो जाएगा. तो ये क्या आएगा, लॉग ऑफ 1/3, राइट. तो हम इसको लिख देंगे 5 प्लस लॉग ऑफ 1/3 विच इज सेम एज 5 - log 3. तो log 3 हमको पता होना चाहिए, log 3 अप्रॉक्सीमेटली होता है 0.48. ठीक है,
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.52, तो pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 4.52। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आप इसको एक बार रिकैप कर लीजिए, उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन ही, एक सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड मान लेते हैं एच ए। ठीक है, ये हमारे पास है 2 मोलर एंड ये है 40 ml। ठीक है, इसमें हमने ऐड किया मान लेते हैं NaOH। कितना NaOH हमने ऐड कर दिया इसमें, 2 मोलर 20 ml। ठीक है, और हमको बता दिया कि इस सॉल्यूशन का जो pH है, इस सॉल्यूशन का pH 6 है। ठीक है, हेंस हमको बताना है जो वीक एसिड है इसका K जो है वो कितना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले तो हम रिएक्शन लिखते थे एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह। हम कहते हैं जब भी वीक एसिड में NaOH ऐड करेंगे तो एक रिएक्शन होगी, एच ए रिएक्ट करेगा NaOH के साथ टू गिव सॉल्ट विच इज Na, कुछ भी हो सकता है, जो भी वीक बेस एसिटिक एसिड था तो ए उस केस में हो जाता है CH3CO-। ठीक है, प्लस वाटर, तो एच ए कितना है हमारे पास, 2 × 40 80 मिलीमोल। ठीक है, ये 80 मिलीमोल है, बैलेंस रिएक्शन है। NaOH कितना है, 40 मिलीमोल। ठीक है, तो एकदम बैलेंस रिएक्शन है, तो एक मोल के साथ एक रिएक्ट करेगा तो 40 मिलीमोल के साथ 40 रिएक्ट करेगा। जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी ये 0 हो जाएगा, ये -40 हो जाएगा विच इज़ 40, ये एकदम 0 हो गया और ये +40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इफेक्टिवली कितना आ गया, 40 मिलीमोल। तो हमारे पास सॉल्ट कितना है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, 40, और एसिड कितना है वो भी 40 है। सो पीएच कितना हो जाएगा, पीएच जो हमको पता है 6, वो कितना हो जाएगा, पीकेए। रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है ना, तो वॉल्यूम देखेंगे, लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड विच इज़ लॉग ऑफ 1 विच इज़ 0। सो दिस इम्प्लाइज पीएच इक्वल टू पीकेए विच इज 6, पीकेए इज 6, दिस इम्प्लाइज के इज 10^-6। ठीक है, तो इससे हमको के की वैल्यू मिल गई। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन की तरह था। पिछली बार हम पीएच फाइंड कर रहे थे, इस बार हमने के फाइंड कर लिया। ठीक है, तो और सिंपल टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैंने आपको बोला एक बफर सॉल्यूशन जो है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बफर सॉल्यूशन जो है इसका जो पीएच है इट कैन वेरी बिटवीन, ठीक है, उसका जो पीएच है, सॉरी ये हटा देते हैं, उसका पीएच जो है वो दे रखा है कैन वेरी बिटवीन 4.5 to 6.5। हेंस जो भी वो एसिड एक बफर है, मतलब वीक एसिड प्लस इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, तो हमसे पूछा है कि जो भी इस बफर में वीक एसिड है उसका पीकेए बताओ। ठीक है, अगर उसका पीएच रेंज इज 4.5 to 6.5, तो सिंपल है, पीएच रेंज होता क्या है, पीके -1 पीके +1। ठीक है, पीके -1 इज 4.5, पीके +1 इज 6.5, दैट मीन्स पीके कितना आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा 5.5। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे हमको वीक एसिड का पीके पता लग जाएगा अगर हमको उसका बफर रेंज पता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो लेट्स लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। ठीक है, यहीं देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं एसिटिक एसिड ही कंसिडर कर लेते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, एंड दिस इज लेट्स से 1 मोलर एंड 50 ml। ठीक है, और हमको इसमें हमने ऐड कर दिया मान लेते हैं NaOH। ठीक है, NaOH हमने ऐड किया इसमें 2 मोलर 20 ml। ठीक है, और हमको बता दिया कि इस सॉल्यूशन का जो pH है, जो भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का जो pH है दैट इज़
सिक्स. बेस्ड ऑन दिस अगेन वी नीड टू फिगर आउट पी के, ठीक है, पी के बताना अंडर दीज कंडीशंस. तो हम सिंपली कह देंगे, हम कह देंगे ठीक है, तो जब भी हमारे को एसिड और बेस ऐसे दे रखा है, हम पहले उसकी रिएक्शन लिख लेते हैं. इसकी रिएक्शन सिंपल है, एसिटिक एसिड प्लस एन ए ओ एच विल गिव सोडियम एसिटेट, दैट इज सी एच थ्री सी ओ एन ए प्लस एच टू ओ. तो ये कितना है, 1 × 50, 50 मिलीमोल. ये कितना है, 2 × 20, 40 मिलीमोल. और ये कितना है, शुरू में तो कुछ भी नहीं होगा, और जैसी रिएक्शन हो जाएगी, वंस द रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो 40 विल रिएक्ट विद 40. तो इसमें से 40 चला जाएगा, इसमें से भी 40 जाएगा, टू गिव 40 ऑफ दिस एंड 40 ऑफ दिस. तो इफेक्टिवली ये कितना बचा, 10. ये कितना बचा, 0. और ये कितना बचा, 40. राइट. सो हमारा पीएच क्या आ गया, हमारा पीएच आ गया इस सॉल्यूशन के लिए, दैट इज पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट 40 बाय एसिड 10. ठीक है, तो क्या आएगा, लॉग 4. लॉग 4 होता है ट्वाइस ऑफ लॉग 2. ठीक है, तो लॉग 4 इज ट्वाइस ऑफ लॉग 2. लॉग 2 इज 0.3, तो ये चीज़ आ जाएगी 0.6. ठीक है, दिस इज 0.6. और पीएच तो हमको दे रखा है, पीएच कितना है, 6. तो ये 6 आ गया, ये 0.6 आ गया. दिस मीन्स पी के ए कितना आएगा, 6 − 0.6, 5.4. ठीक है, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5.4. सो अब दिस इज क्लियर. ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, मतलब न्यूमेरिकल नहीं है, एज अ कॉन्सेप्ट है. जैसे अभी तक हम देख रहे हैं कि एसिडिक बफर जो होता है, ठीक है, अगर हम बात करें एसिडिक बफर की, तो एसिडिक बफर इज एनी वीक एसिड. अगेन द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज सी एच थ्री सी ओ एच एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस सी एच थ्री सी ओ एन ए. इट वर्क्स एज अ बफर एंड पी एच इज गिवन एज पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशंस. ठीक है, सो दिस इज एन एसिड बफर. अब आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट है कि एसिड का जो टोटली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है वो है बेस. ठीक है, एसिड और बेस जो है, दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इट. सो देयर विल बी, जस्ट लाइक देयर इज एन एसिडिक बफर, देयर विल बी एन एग्जैक्टली सिमिलर बेसिक बफर. जस्ट लाइक एसिडिक बफर इज वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक बफर ऑन द अदर हैंड वुड बी अ वीक बेस. ठीक है, कुछ ऐसा NH4OH और उसका सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड मान लेते हैं HCl, तो उसके साथ इसका क्या सॉल्ट हो गया, NH4Cl. ठीक है, तो ये आ जाएगा. जैसे इसमें भी सेम ही चीज़ होगी, जैसे अगर हम बिहेवियर देखें कि ये बफर क्यों है, तो इसमें भी देखो सेम कॉन्सेप्ट है कि ये हार्डली डिसोसिएट करेगा, बहुत कम OH माइनस जनरेट करेगा, और NH4Cl की वजह से तो और कम इसका हो जाएगा ना, कॉमन आयन आएगा इसमें NH4 प्लस प्लस Cl माइनस. तो एकदम सेम चीज़ है जो यहाँ चल रही थी. ठीक है, जस्ट टू फॉर द कंपेरिजन सेक मैं यहाँ लिख देता हूँ. जैसे यहाँ क्या था, CH3COH गिव्स CH3COO माइनस प्लस H प्लस. ठीक है, और इसको जब हम CH3COONA देख लेते थे, उसमें देखते थे, तो ये क्या देता था, CH3COO माइनस कॉमन है, जैसे यहाँ है प्लस एन ए प्लस. ठीक है, तो जो बिहेवियर यहाँ H प्लस के रिगार्ड में है, एग्जैक्टली सेम बिहेवियर यहाँ OH माइनस के रिगार्ड में. सो ये भी एक बेसिक बफर बन जाएगा, और इसमें जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होगा. ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं. तो एसिडिक बफर क्या है, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड. तो बेसिक बफर में क्या हो जाएगा, बेसिक बफर में जहाँ भी एसिड है वहाँ बेस होगा, जहाँ भी हाइड्रोजन है वहाँ OH होगा. तो ये हो जाएगा पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी. ठीक है, ए की जगह बी आ गया, प्लस सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है, तो एज इट इज लिख देंगे, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो फॉर्मूला याद करने का तरीका हो गया. आई होप दिस इज क्लियर. सो एकदम, अगर आपको एक बार ये फॉर्मूला याद हो गया तो ऑटोमेटिकली ये भी आपको याद है, पी एच की जगह पी ओ एच, पी के ए की जगह पी के बी, और यहाँ क्या आ गया, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड की जगह सॉल्ट बाय बेस. ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो सेम टाइप के होंगे. सो आई होप दिस इज क्लियर.
द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बेसिक बफर. तो बफर सोल्यूशन एसेंशली क्या हो गया, वीक एसिड विद अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस विद अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, एंड द प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ बफर इज कॉमन आयन इफेक्ट. तो आई होप इस लेक्चर के थ्रू जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड ऑन बफर आर क्लियर. सो अगला टॉपिक जो होगा आयनिक इक्विलिब्रियम का, जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, दैट वुड बी अबाउट सॉल्ट्स. सो अंटिल देन, गुड बाय.